अच्छा देखो, अब ये क्वेश्चन है बच्चे, मुझे ऐसी उम्मीद है कि शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा कि ये क्वेश्चन उसने ना देखा होगा या फिर उसके टीचर ने कुछ गंदे तरीके से ना कराया होगा, अगर कराया होगा तो ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में ऐसा क्वेश्चन आ रखा है। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं, देखो क्वेश्चन समझना क्या है। अ सम ऑफ रुपीज 500 इज डिवाइडेड अमंग एबीसी इन सच ए वे दैट 16 मोर देन 2/5 ऑफ ए शेयर, 70 लेस देन 3/4 ऑफ बी शेयर एंड 4 लेस देन 3/5 ऑफ सी शेयर आर इक्वल, फाइंड बी शेयर। इसमें क्या है, देखो पहले मैं इक्वेशन आपके सामने बना रहा हूं, है क्या देखना सर, थोड़ा नीचे बनाता हूं, जगह कम है। ये कह रहा है सर, यहां लिखता हूं कि सर 2/5 ए का और उसमें मुझे क्या जोड़ना है, 16 जोड़ना है। ये सर बराबर है किसके, 3/4 बी का और उसमें मुझे क्या कम करना है, 70 कम करना है, बराबर। आगे क्या कह रहा है, 3/5 सी का उसमें मुझे क्या कम करना है, सर 4 कम करना है। ये बराबर है सर, अगर ये बराबर है तो ये कह रहा है सर बी की वैल्यू बताओ, क्या बताओ सर बी की वैल्यू। सोचो आपको अगर याद है बचपन की बात है तो हम क्या क्या करते थे, इसको के मानते थे, क्योंकि मुझे दे क्या रखा है, समझना मेरी बात, मुझे दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 500, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 500 दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, जो बचपन का तरीका है, यहां के मानो, वहां से ए की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू निकालो, सी की वैल्यू निकालो, जोड़ो, के का मान निकालो, रखो, आंसर आता है, बड़ा लेंदी है, ठीक है। अब देखा, सोचना, मैं इस पर कुछ और सोच बनाना चाह रहा हूं, हो सकता है आपको उसको समझने में ही हालत खराब हो जाए, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है, देखना सर, मैं इस पर दो कोशिश कर सकता हूं। पहली कोशिश सर क्या है, समझना कि देखो 2/5 ऑफ ए है, ये बताओ मुझे ये किसके मान दे रखे हैं, ये सारे बी के मान दे रखे हैं सर, ये मुझे सारे किसके मान दे रखे हैं सर, बी के मान दे रखे हैं, ये बी की वैल्यू है, मुझे ये मालूम है अगर इनको सारी को मैं बी की वैल्यू को रखूं तो मुझे बता सकती इसकी वैल्यू कितनी आएगी, समझने की कोशिश करना। ये मैं करूंगा, देखो बी का अगर 200 रखूंगा तो 4 × 20 5 × 3 = 15 150 में 70 गया तो कितना बचा सर 80, ठीक है 150। अब देखना एक समझदारी, अगर 150 में मैं 4 का भाग दूंगा तो पॉइंट आ जाएगा, और अगर पॉइंट आ गया क्या खत्म हो पाएगा, क्यों खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां पे ऐसा कोई रास्ता नहीं जो पॉइंट को खत्म कर दे, नहीं खत्म हो गया मतलब आंख बंद करके मैं कह सकता हूं ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ा, 160 में 4 × 16 4 × 3 = 120 में से 70 घटाऊंगा तो कितना आएगा सर 7 × 5 = 12 यानी 50 आएगा। मैं गया 250 में, 250 में 4 का भाग देना, यानी ये भी आंसर नहीं हो सकता, यानी मेरे लिए क्या रहेगा सर, दो ऑप्शन रहेगा, इवन दो मेरे पास एक रास्ता और था ये बताने का कि ये भी आंसर नहीं होगा, थोड़ी सी समझदारी दिखानी है। वैसे तो देखो मेरे पास दो ऑप्शन रह गए, अब पता है मुझे क्या करना है, कोई भी एक ऑप्शन पकड़ लो आप, क्या करूंगा, मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, अब मुझे क्या करना है, ए और सी की वैल्यू निकालनी है, अगर सबका सम कितना हो जाए 500 तो मेरी बात बन जाएगी, लेकिन अगर मैं चाहूं तो एक ऑप्शन और हटाने की कोशिश कर सकता हूं, थोड़ा दिमाग लगेगा, ठीक है। पहले तो इसको चेक करा दूं कि और बताऊं, मैं सोच रहा हूं, मेरा मन कर रहा है थोड़ी और सोच लगाता हूं। वैसे तो देखो यहां पे आप एक ऑप्शन उठा के वैल्यू चेक कराओ, आंसर आ जाएगा, मुझे उम्मीद है इनमें से आएगा, पर मुझे तो मालूम ही आएगा, लेकिन समझना, मुझे ये मालूम पड़ गया कि मेरे दो ऑप्शन भाग चुके हैं, कौन से एक और दो, ये बचा हुआ है, थोड़ा सा मैं मैथ्स और लगाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे एक बात बताओ सर, अप्रोक्सीमेशन के मैंने पहले भी आपको वीडियो डाले जो बच्चे देखेंगे, एक बात मुझे बताओ कि मैं थोड़ी देर के लिए अगर ये मान लूं कि ये तीनों वैल्यू समान है, आप बोलो ऐसे कैसे मान लोगे सर, थोड़ी देर के लिए मान दो, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में एक्चुअल में जो मैं करने जा रहा हूं ना, वैल्यू को आगे पीछे करने से बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। मुझे बताओ अगर ये तीनों वैल्यू समान होगी तो हर एक का मान कितना होगा 166, आप बोलो तो कौन से तीनों वैल्यू, ए बी और सी, तो मैंने बोला 500/3 तो 160 पॉइंट समथिंग आएगा, 166.66, मानते हो मेरी बात, तो मैं बोलो 166 पॉइंट समथिंग आएगा। अब देखना 166 पॉइंट समथिंग आने वाला है, अब देखना मुझे बताओ सर, ये बताओ 2/5 कितना होता है, 40% होता है, मुझे बताइए 166 का कितना परसेंट है, 10%, 16.6 होगा,
इट मींस मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा मान सकता हूं 10% है, तो 10% और 40% कितना हो गया सर, 50% ऑफ ए। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या किया, ये 2/5 ऑफ ए यानी 40% ऑफ ए। मैं ये बोलता हूं कि 166 भी ए का मान है, ये ऑलमोस्ट 10% है, ठीक है, तो 50% हो गया। आगे बढ़ता हूं, 3/4 कितना होता है, 75% होता है, 75% ये है, और ये बताओ ये 166 का 70 कितना है। देखो बहुत रफली सोचना है, किसी को अगर ऐसा लगे सर ऐसा कैसे सोच सकते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आप क्वेश्चन पूछना, जवाब दूंगा, क्योंकि मैं चाहूंगा तो अप्रोक्सीमेशन पे ही आपको 2-4 वीडियो बना डालूंगा जिससे कि क्लैरिटी हो जाए। मुझे बताओ सर 70 इसका 10% 16.6 होगा, 16 × 5 = 80 और 16 × 4 = 64 यानी 40% 70 से कम है और 50% 70 से ज्यादा है। इट मींस 45 में मोटा मोटा ले सकता हूं, तो मुझे बताओ 70% में 45 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा सर, 30% ऑफ क्या आ गया सर, बी। ये आ जाओ 3/5 कितना होता है, 60% होता है। मुझे बताओ 4 इसका कितना होगा, 166 का 1% 1.6, तो 16 × 4 = 16 × 2 = 32 और 16 × 3 = 48, 3% से कम ही रहने वाला है। मैंने 2% ले लिया, तो मुझे बताओ 60 में से 2% घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 58%। मेरा कुछ इसको कुछ ज्यादा आगे बढ़ने का नहीं, सिर्फ इतना बताने का था कि इससे आपको क्या फील हो रहा है। मुझे तो ये फील हो रहा है कि बी क्या है, सबसे बड़ा है। अगर बी सबसे बड़ा है, जब तीनों इक्वल थे तो बी कितना था, 166, लेकिन अगर बी सबसे बड़ा है तो इसकी गारंटी है कि 160 से तो बड़ा होगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, आंसर चेक भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपने बोला सर इतनी मेहनत क्यों करी, चेक ही कर लेते। एक्चुअल में अगर आप थोड़ी समझदारी दिखाओगे तो एक ऑप्शन को चेक करने के लिए भी आपको वक्त लगने वाला है। वैसे तो इस सवाल को बेसिक तरीके से जाते तो ऑलरेडी बहुत वक्त लगता है, लेकिन अगर आपको ऑलरेडी मैंने 2 ऑप्शन दे दिए फिर भी एक ऑप्शन को चेक करने के लिए आपको समय लगेगा, क्योंकि ये सवाल काफी लेंदी है, बहुत सारे लोग तो इसको करते ही नहीं है। आप देख लेना, आप लोगों ने भी ये क्वेश्चन छोड़ा होगा, देखा भी होगा तो बेसिक तरीका लगाया होगा। क्लियर है, एक क्वेश्चन और रखूं मैं, चलो रखते। 600 divided among A, B and C, 40 more than 2/5 of A share, 20 more than 2/7 of B share and 10 more than 9/17 of C share are equal। मतलब कहने का क्या है कि 2/5 ऑफ ए यानी ए का 2/5, उसमें मैं अगर 40 जोड़ दूं और बी के 2/7, बी में मैं कितना जोड़ दूं सर, 20 जोड़ दूं और 9/17 सी में मैं 10 जोड़ दूं, तो ये क्या है सर, बराबर है। तो ये कह रहा है सर ए का मान बताओ। अब समझना, ए का मान मुझे बताना है, मुझे माल में ये भी एक ही वैल्यू है, ये भी एक ही वैल्यू है, ये भी एक ही वैल्यू, लेकिन क्या एक ही सही है, एक ही इनमें ऑप्शन सही है। अब समझना सर, मुझे ये माल में यहाँ पे ए का मैं वैल्यू रखूं। देखो पिछले सवाल में मेरा क्या हुआ था, जब मैंने ऐसे रखा था 2 ऑप्शन आ रहे तो मैंने हल्का सा दिमाग और लगा दिया था। मैं चाहता तो अगर वहां से भी मैं चेक कर सकता था, लाओ मैं इस पर भी ट्राई मारता हूं। मैंने बोला अगर मैं 150 लेता हूं, समझने की कोशिश करना, मैं अगर 150 लेता हूं तो देखो 2/5 150 का, तो 5 × 15 3 × 2 = 6 यानी 60 यानी 100 आ गया सर, यानी 100 आया, 170 तो 70 × 34 34 × 34 = 34 68 प्लस का 4 यानी 108। क्लियर है, मैं आया 280, तो 56 यानी 112, 112 प्लस 40 152, 140 28 × 2 82 एंड 56 और 40 106। क्लियर है, नहीं 56 और 40 यानी 96, 56 और 40 96। ये मैंने क्या कर लिया, कुछ नहीं कर लिया, मैंने एक ही वैल्यू रख रखी, इनको चेक करा लिया। अब मुझे बच्चे एक बात बताओ, अब मुझे क्या करना है, मुझे बी और सी के मान निकालने, समझने की कोशिश करना। मैंने बी से पहले ये सोचा कि मैं सी का मान निकालूं, सी का मान निकालने के लिए पता है क्या होना चाहिए, जब यहां 10 घटा दूंगा तो 9 का मल्टीपल आना चाहिए। देखो मैं सी में 10 घटाऊंगा, 9 से भाग दूंगा तो 9 का मल्टीपल आना चाहिए। देखो 10 घटा रहा हूं, 90 आ रहा है, 9 का मल्टीपल ही आंसर होने की
संभावना है, आंसर होने की पॉसिबिलिटी है। अगर इसमें से 10 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 98। क्या ये 9 का मल्टीपल है? नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें से अगर 10 घटाऊंगा तो 142। क्या ये 9 का मल्टीपल है? नहीं है, क्योंकि 4, 5, 6, 7 आ रहा है, नहीं हो सकता। क्या ये होगा? माइनस का 10 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 86। क्या ये 9 का मल्टीपल है? नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। यानी बच्चे ये मेरा क्या आंसर आ गया, 150। अगर आया होता दूसरा ऑप्शन तो या तो मैं चेक करता या फिर वो परसेंटेज वाली भी थिंकिंग लगाने की कोशिश करता, ये डिपेंड करता मेरी सोच पे, क्योंकि यहां पर 9/17 एक गंदा फ्रैक्शन जाने वाला था, तो हो सकता है मैं चेक करता। अब देखो पेपर में ऐसा कभी ऐसा तो होगा नहीं कि हमेशा एक ही ऑप्शन आपका आंसर हो जाए, कई बार पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। तो बच्चे देखो ऐसा होता है जब क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं या फिर क्वेश्चन आपको लग रहा है कि थोड़ा सा हटके है, वहां पे तो देखो हिट एंड ट्रायल है, हो सकता है बात ना बने, आप छोड़ के भी निकल सकते हो। या फिर इस तरह के सवालों को जनरली हम और सवालों को करने के बाद में देखते, अगर थोड़ा सा और भी टाइम देना पड़ जाए तो हम टाइम दे सकते। तो यही सोच है, ऐसा नहीं था कि इनमें बहुत बड़ी बातें रखी गई है, लेकिन हाँ अगर आप अच्छे से सोचोगे तो इससे बहुत कुछ सीख सकते हो। और क्वेश्चंस के लिए आप कभी भी कोई नई चीज सीख रहे हो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मत सीखो, जनरलाइज करके उस चीजों को और भी कहीं लगाने की कोशिश करो। हमारी पूरी कोशिश जो रहेगी इतने आने वाले 2 महीने में, हम रेगुलर क्वेश्चन डालेंगे, डेली क्वेश्चंस डालेंगे। अभी तो मैंने ये रखा है, हो सकता है एक आध अर्थमेटिक और छोटा मोटा टॉपिक डाल दूं, बाकी तो हम लोग एकदम एडवांस स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत अच्छे लेवल पे ज्योमेट्री और मेंसुरेशन को अच्छे से फोकस करेंगे, एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से फोकस करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपको अगर कुछ ऐसा भी रहता है, कोई भी आपके अपने डाउट है, हम जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करने जाएंगे उस पर्टिकुलर सेक्शन के, तो हम उनको उसमें इंक्लूड कर लेंगे अगर वो रिलेवेंट होंगे। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।